दूसरा दिन भी जारी रहा। बीटीपीओ कार्यालय के बाहर सरपंच ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में धरने पर है। सरपंचों का कहना है कि सरकार ग्रांट 2 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करे और राइट टू रिकॉल का सिस्टम विधायकों पर भी लागू होना चाहिए। सरपंचों ने आरोप लगाया है कि पंचायत मंत्री की तरफ से सरपंचों को राइट टू रिकॉल की धमकी दी जा रही है। ई टेंडरिंग को लेकर सरपंच लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और निश्चित तौर पर सरपंचों द्वारा ई टेंडरिंग को लेकर सोनीपत के बीडीपीओ कार्यालय पर प्रदर्शन शुरू हो गया है और अनिश्चित काल के लिए धरने का आज दूसरा दिन है। और सरपंचों का ये कहना है कि प्रदेश की सरकार द्वारा ई टेंडरिंग को लागू करने का नियम जो है सरकार वापस ले और वहीं राइट टू रिकॉल को लेकर भी एक बार आवाज़ जो है वो बुलंद हो गई है। और सरपंचों का ये भी कहना है कि जिस प्रकार से सरपंचों को पंचायत मंत्री द्वारा राइट टू रिकॉल की बात कही जा रही है, ऐसी राइट टू रिकॉल की नीति मंत्रियों और विधायकों पर भी लागू होनी चाहिए। ये बात यहाँ पर सरपंचों द्वारा कही गई है और निश्चित तौर पर सोनीपत में लंबे समय की जिस प्रकार से पंचायती चुनाव हुए उसके बाद अब ग्रामीण स्तर पर विकास कार्य को लेकर सरपंचों ने आवाज़ उठाई है कि सरकार द्वारा जिस प्रकार से 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक की जो बढ़ोतरी है वो की जानी चाहिए और एक पावर जो सरपंच की होती है उसको मजबूत किया जाना चाहिए और जिस प्रकार से सरकार द्वारा ई टेंडरिंग को लेकर नीति लागू की जा रही है उसका ये विरोध कर रहे हैं और इस नीति को वापस लेने की भी बात कर रहे हैं। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह। चलिए नमस्ते हरियाणा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।